दोस्तों आईपीएल 2021 के सेकेंड फेज के स्टार्टिंग डेट और शेड्यूल के ऊपर बीसीसीआई की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल के सेकेंड फेज का नया स्टार्टिंग डेट और शेड्यूल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2021 के सेकेंड फेज के नए स्टार्टिंग डेट और शेड्यूल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल के शेष 31 मैचों को बीसीसीआई यूएई में कंडक्ट करेगी और इसके लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुका है, जहां पर 20 अगस्त से चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यूएई में अपना प्रैक्टिस कैंप लगा देगी। तो कुल मिलाकर के 20 अगस्त से आईपीएल के शेष 31 मैचों के लिए यूएई में प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आईपीएल के सेकेंड फेज के शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसके ऊपर बीसीसीआई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जहां पर बीसीसीआई ने बताया है कि इस साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी होगा और जब तक टी20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आएगा तब तक आईपीएल का शेड्यूल भी अनाउंस नहीं होगा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप और आईपीएल के मैच जो है वो आपस में टकरा सकते हैं। इसीलिए बीसीसीआई वेट कर रहा है कि जल्द से जल्द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दे, और जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद बीसीसीआई आईपीएल के शेष 31 मैचों का कंप्लीट शेड्यूल अनाउंस कर देगी। तो कुल मिलाकर के इसी महीने में यानी कि जुलाई के महीने में आईपीएल के शेष 31 मैचों का शेड्यूल देखने को मिलेगा। और बीसीसीआई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जिसके अकॉर्डिंग आईपीएल के शेष मैचों का कंप्लीट शेड्यूल बन करके रेडी हो चुका है, लेकिन सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप के चलते अभी तक आईपीएल के मैचों का नया शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि शुरुआती मैचों के बारे में बात करें तो 17 सितंबर को आरसीबी और केकेआर के मैच के साथ आईपीएल 2021 के सेकेंड फेज का पहला मैच स्टार्ट होगा, यानी कि 30वें मुकाबले के साथ आईपीएल 2021 का नया मैच देखने को मिलेगा। और आईपीएल के शेड्यूल के बारे में बात करें तो शेड्यूल में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा, सिर्फ डबल हेडर मैचों की संख्या बढ़ जाएगी और साथ ही साथ डेट में बदलाव किया जाएगा और टाइमिंग पहले के ही तरह होगा। तो कुल मिलाकर के इंडिया श्रीलंका सीरीज के बाद आईपीएल का नया शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं स्टार्टिंग डेट और शेड्यूल से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।